मैं आपको एक बड़े मजे की अपने किस्सा बताता हूँ। एक किसी ने मुझे फ़ोन किया, मेरी बहुत पुरानी उनसे दोस्ती, तो मुझे कहने लगी, अरे यार साहिब भाई आपने तो बस कमाल कर दिया। मैंने कहा क्या क्या, मैंने क्या कमाल कर दिया, आपके 5 बच्चे हैं। मैंने कहा जी हाँ जी, मेरे कितने बच्चे हैं, कह लेंगे 5, और आपकी एक बेगम न्यूयॉर्क में भी रहती हैं। मैंने कहा जी हाँ भाई हाँ हाँ, मुझे कल ही पता चला है। मैंने कहा बेगम का तो पता नहीं, बच्चों का पता दे दे, मैं जाके मिल तो लूँ। मतलब आप ये सोचिए, अच्छा ये बात ये नहीं है, ऑब्वियसली ये गलत बात है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। एक साहब जो मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे, बिल्कुल भी नहीं जानते थे, वो मुझसे प्लेन में मिले, मेरे बराबर में बैठे थे। तो जब प्लेन से उतरने लगे तो मुझे कैसे, वैसे लोधी साहब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं आपसे नहीं मिलता तो मैं सारी ज़िंदगी वही सोचता। मैं उनकी शक्ल देख रहा था, मैंने क्या जवाब दूँ, बट दैट्स वॉट इट इज़। आप यहाँ पर, मैं जस्टिफिकेशंस नहीं देता अपनी, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं किसी के बारे में कभी भी कोई सुनी सुनाई बात आगे नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। क्या बात, क्या बात। और मुझे अगर किसी के बारे में, अब ये मुझे एक अंग्रेज़ ने समझाया था, और उस अंग्रेज़ का नाम था डॉक्टर डैनियल ब्रैडले, डैन ब्रैडले उनका नाम था। मुझे जब मैंने मास्टर्स के अपने वो डिसर्टेशन जमा करवाने मैं जाने लगा, तो मैंने डैन से कहा, डैन आई नीड अ रिकमेंडेशन फ्रॉम यू। तो उसने कहा, वो मुझे हाइड्रोकार्बन फेस बिहेवियर पढ़ाते थे, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो डॉक्टर तारिक और डॉक्टर डैन ब्रैडले हमको पढ़ाते थे। तो उनको 3-4 दिन मुझे रिकमेंडेशन लेटर देने में देर हो गई, तो आई केम टू हिम एंड आई जोकिंगली सेड, आई सेड सो यू नो देयर इज नथिंग नेगेटिव इन इट राइट, कोई चीज़ नेगेटिव तो नहीं लिखी आपने मेरे बारे में। तो मुस्कुराया और मुझे कहता है, इफ़ देर वॉज एनी थिंग नेगेटिव आई वुड हैव सेड नो टू यू। मैं तुम्हें मना कर देता लेकिन मैं तुम्हें कभी लेटर नहीं देता, बिकॉज इफ आई हैव नथिंग गुड टू से अबाउट यू देन आई विल नेवर से एनी थिंग अबाउट यू। यानी अगर मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए कहने को, तो मैं तुम्हारे लिए कभी कोई चीज़ नहीं कहूँगा, अनलेस इट्स गुड। ये एक अंग्रेज है जिसने मुझे ये बात बताई है। आज हमारे यहाँ हम तारीफ किसी की करते ही नहीं है, हम बुराइयां करते हैं, और वो बुराइयां जो दूसरों में एग्जिस्ट ही नहीं करती अपनी। मैंने एक आदमी, एक किसी ने मुझसे इंटरव्यू में पूछा, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं आपके ना कॉम्प्लेक्सेस का इलाज नहीं कर सकता। एहसास बर्तरी एहसास कमतरी की बदतरीन शक्ल है। बिल्कुल बिल्कुल, एहसास बर्तरी जो है वो एहसास कमतरी की बदतरीन शक्ल है। और हमारे यहाँ ये इतना प्रेवलेंट, आप देख लीजिए, किसी को उठा के देख लीजिए, उरूज है। हमारे यहाँ एक आम जुमला है, कोई अगर पुलिस वाला रोक ले उसको, तुम मुझे नहीं जानते, और वो सोच में पड़ जाता है, मेरे घर पे तो नहीं आता ये, कैसे नहीं जानता मैंने। आप जेन्युइनली सोचें, हर नॉर्मल आदमी ये बात कर रहा होता है। हम धमकियाँ देते हैं लोगों को, हम समझते हैं बहुत स्पेशल हैं, हम लोगों को कहते हैं कि उनकी VIP मूवमेंट ना हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बट देन हम कभी लाइन नहीं बनाते, हमें लगता है कि हमें VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक VIP मूवमेंट की बात आपने की ना, देखें मैं बहसीत पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, VIP मूवमेंट दुनिया में होती है, VIPs को उनको सिक्योरिटी दी जाती है दुनिया में, थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे तो मेहरबानी। तो VIP मूवमेंट तो दुनिया में होती है, लेकिन मैंने ये देखा है, जहाँ तक आपने भी देखा होगा, एक लेन मुख्तस होती है, उसमें VIPs एक लेन में चले जाते हैं, साइड में ट्रैफिक, ये भी है। और दूसरा ये कि अमेरिका के अंदर अगर होता है तो वो हेलीकॉप्टर के जरिए बुलवाते हैं, ऑफ कोर्स, ताकि ट्रैफिक की डिस्ट्रप्शन हो ही ना। हाँ, लोग केस कर देंगे उन पे, हाँ, उनको हेयरिंग के अंदर बुला देंगे कि आपने रोका कैसे। अब यहाँ 3-3 घंटे जब एक इंसान सड़क पर खड़ा हुआ है, मुझे बताएं आप, 3-3 घंटे। और पता है, अभी 2 दिन पहले मैं यहाँ से गया हूँ, ट्रांसमिशन ख़त्म करके आपके यहाँ से कोरंगी ब्रिज से, 1.5 घंटा मैं खड़ा रहा हूँ, और पीछे एम्बुलेंस 1.25 घंटा तो तकरीबन वही चीखती रही, उसको किस तरह से फिर रास्ता दे के आगे बढ़ाया गया। ये मैं बिल्कुल बरमला कह रहा हूँ, बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ, ये VIP मूवमेंट थी आगे, बहुत अफसोस की बात है। परसों की बात है, परसों रात यहाँ से मैं गया हूँ, मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, साहिर बैठे, एम्बुलेंस 1.25 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद पीछे से, पता नहीं कब से सायरन बज रहे थे। मैं सोच रहा था कि साहिर कि मैं लेफ्ट हूँ तो कैसे हूँ, राइट हूँ तो कैसे हूँ, मतलब मैं ही कम से कम एक कदम बढ़ा लूँ तो मेरा ही शहीदों में नाम आ जाएगा, चलो ये हटा तो सही। आई नो आपको फिक्र होती है, जाहिर मैंने लोगों को मरते हुए देखा है, ऑफ कोर्स,
मैंने मरते हुए देखा है, एक खातून को और एक बच्चे को मैंने मरते हुए देखा है एम्बुलेंस के अंदर वी हैप्पी मोमेंट की वजह से। मतलब दिस इज रिडिकुलस, हम क्या बात कर रहे हैं। हसन आ जाइए आप प्लीज।